आज तो बांग्लादेश वालों ने इंडिया की तौबा तौबा करा दी भैया, कान पकड़ा के मुर्गा बना दिया ग्राउंड के अंदर पूरी टीम को। हाँ भैया, अरे पांच पांच खिलाड़ी तो शकीबुल हसन आउट कर रहे थे आज। इंडिया वाले परेशान नजर आए, हम पाकिस्तान से मैच देख रहे थे, हमें बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग लाइन थी उसके पुरखच्चे उड़ा दिए आज बांग्लादेश वालों ने। शकीबुल हसन ने पांच खिलाड़ियों को बिल्कुल लिटा के उनकी धन धना धन ठुकाई लगा दी भैया, बिल्कुल हेडमास्टर बन गया ग्राउंड के अंदर। बोला चलो भाई तुम आउट जाओ, कोहली बाहर जाओ, रोहित शर्मा तुम भी आउट हो गए बाहर जाओ। मतलब इस तरह ऑर्डर चला रहे हैं भाई शकीबुल हसन, पांच पांच खिलाड़ियों को आउट कर रहा है। इंडिया की बैटिंग, यह बड़ी बैटिंग भाई, इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम है, मगर उसका हाल जो हुआ बिल्कुल गटर की टीम बना दिया आज बांग्लादेश वालों ने। इतने गंदे तरीके से मारा भैया, हमने आज तक इस तरह की धुलाई नहीं देखी जो आज बांग्लादेश ने आज इंडिया की है। इनकी बॉलिंग यार, हम कह रहे थे कि भैया बांग्लादेश की बॉलिंग नॉर्मल जो बॉलिंग होती है वो होगी, मगर बांग्लादेश वालों ने साबित किया। इबादत हुसैन उसको देख लो भैया, चार चार विकेट ले रहा है इंडिया के खिलाफ है, चार इसने ले ली, चार शकीम ने ले ली, पीछे क्या घंटा बचा है। इस तरह के हालात आज इंडिया के साथ हो गए। आज इंडिया वालों को सूर्य कुमार यादव की बहुत याद सताई भैया। हाँ, हम ग्राउंड में देख रहे थे जिस तरह से आउट होकर पूरी टीम इंडिया की जा रही थी, सूर्य कुमार यादव बेस्ट था भैया बांग्लादेश के लिए, मगर इसको ना सिलेक्ट किया, हार्दिक पांड्या को ना सिलेक्ट किया, इस वजह से आज इंडिया का ये हाल हुआ। जी दोस्तों, आप लोग वीडियो देख रहे हो, इंडिया के फैन हो, आप लोग बताइए कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। इसी वजह से आज इंडिया का ये हाल हुआ और इंडिया हारा इतने गंदे तरीके से बांग्लादेश। पहला ही वनडे हार गए तो अब आगे जो दो और हैं उनके अंदर भी धुलाई होगी, उनके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से बेइज्जती होगी, क्योंकि बांग्लादेश वाले भैया अपने मुल्क के अंदर बहुत खतरनाक है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया का हाल देखा था, चार मैच मारे थे, पांच की सीरीज थी, न्यूजीलैंड वालों को पांचों के पांचों मार के वापस भेजा था। ये हालात थे भैया बांग्लादेश के। इंडिया वालों कुछ ख्याल कर लो और उसको वापस ले आओ पांड्या को, और सूर्य कुमार यादव ले आओगे तो तुम लोगों की बचत हो जाएगी, वरना भैया शकीबुल हसन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, इबादत हुसैन तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, अभी हुसैन बैटिंग के अंदर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, और भैया लिटन दास तो बैटिंग का बादशाह भैया किंग है, उससे बेहतर बैटिंग कौन जानता है भैया।